पहला कंटेस्टेंट। हेलो जी, मेरा नाम जाहिद है। आपने ऑडिशन तो ऑब्वियसली देखे हुए हैं, तो आपको मालूम है कि रघु और रणविजय कैसे होते हैं, वो भी पर्सनल इंटरव्यू के राउंड में जहां आप जा रहे हैं अभी। जी, तो आपको कैसे लग रहा है? आपको डर लग रहा है? आप एक्साइटेड हैं? क्या हो रहा है? नहीं, खुशी है कि जिस शो को, जिस ऑडिशन को हम लोग टी वी पर देखा करते थे, आज उसको फेस करने जा रहे हैं, और डर वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ऑल द बेस्ट जी, अंदर जाइए, जजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो जाहिद जी। सर जाहिद जी, सर बैठिए। शुक्रिया सर। आप अपने बारे में कुछ बताइए जाहिद। मेरा नाम जाहिद है, मेरी सारी शिक्षा दीक्षा सर कन्नौज में हुई है, कानपुर देहात में मेरा जन्म हुआ है। मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों का है, जो कि ऊपर वाले ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। हर समय हर दिन अच्छा बोलना पसंद है, और जो लोग सच बोलें वो पसंद है। एक्टिव गेम पसंद है, क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, गुल्ली डंडा खेली हुई मैंने और अच्छी तरीके से खेली हुई है, वॉलीबॉल भी खेली हुई है, लेकिन मतलब ज़्यादा महारत हासिल नहीं है। और दादा आपकी बात है, कब बचपन में खेलता था? सर मैं अभी, मेरा एक्सीडेंट 89 में हुआ था। कौन सा एक्सीडेंट? ये पैर का मेरा। कब हुआ ये एक्सीडेंट? दादा 89 में 2 अक्टूबर के दिन। दादा रोड क्रॉस कर रहे थे, 4-5 लोग थे, तो 4-5 लोगों को पहले मैंने क्रॉस करा दिया था। मैं जब वापस जाने लगा तो मतलब ठोकर लगी अंगूठे में, तो मैं ऐसे पकड़ के बैठ गया। तो ट्रक वाला मतलब उसने सोचा कि ये क्रॉस हो जाएगा लड़का, लेकिन मैं गिर पड़ा था, तो उसने भी पूरा रोकने का प्रयास किया, लेकिन अगला टायर आके मेरे पैर के ऊपर खड़ा हो गया था। फिर वहाँ सिराजपुर में हुआ था, सिराजपुर से करीब करीब 35 किलोमीटर आगे पड़ता है ये रावतपुर हेल्थ, वो लाला लाजपत राय हॉस्पिटल, वहाँ पे उसने एडमिट किया। उसके बाद फिर मतलब मम्मी पापा सब लोग पहुँचे। 4-5 साल के थे सर। तो आपका एक्सीडेंट 4 या 5 साल की उम्र में हुआ? जी। फिर आप कह रहे हो वॉलीबॉल खेल रहे थे, आप ये भी कर रहे थे? हाँ, तो दादा वो सब मैंने अभी किया हुआ है ना। कैसे? बैसाखी से, मतलब बैसाखी के बल पे। रोडीज़ में आने की कैसे सोची? दादा रोडीज़ 9 से मैंने देखना चालू किया है, और रोडीज़ के बारे में मतलब पिछले सीजन से 1-1.5 साल पहले से हम सुनते आ रहे हैं, फिर जिज्ञासा जागी, फिर रोडीज़ 9 से मैंने देखा। देख के मजा लेना एक बात है, आप ऑडिशन पे आने की क्यों सोची? अभी एक तो मेरा ये था कि मैं फिल्म लाइन में काम करूं, दूसरी बात ये थी कि मैं मरना नहीं चाहता हूं, और ये डर मुझे बहुत लगता है। आपके फॉर्म में लिखा हुआ है मैं मरना नहीं चाहता हूं। जी दादा, आप अमर होना चाहते हैं? हाँ दादा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं मरने के बाद भी मुझे दुनिया में लोग जाने कि हाँ जाहिद नाम का कोई था। जाहिद जी दादा, आपका एक पाँव नहीं है। जी दादा, आपको लगा नहीं कि आप जैसा डिसेबल्ड आदमी यहाँ पर कैसे आएगा? नहीं दादा, मैं लंगड़ा हूँ, अपाहिज नहीं हूँ। क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि लंगड़ा है तो उसका एक पैर नहीं है, अपाहिज वो होता है जो कुछ नहीं कर सकता, एबल नहीं है। मैं लंगड़ा हूँ ये तो है, और मुझे इसकी बात की चिड़ नहीं है, कोई कहता है तो हाँ मैं हूँ ना, बोलो ना। आप कह रहे हो आप डिसेबल्ड नहीं हो, आप एबल हो। जी दादा, फिजिकली कर सकते हैं काम? हाँ दादा, मैं कर ही रहा हूँ। मैंने कुछ सुना आपके बारे में, मगर मैं मानता नहीं। हाँ दादा, ये तो हमारे साथ हर आप कदम कुछ किकिंग विकिंग करते हैं? कदम कदम मैं नहीं मानता। हाँ दादा, तो आप नहीं मानते, मैं करके दिखाऊं। करके दिखाओगे? जी हाँ बिल्कुल, यहीं पे करके दिखाऊं। और अगर करने की चेष्टा में आपको चोट लग गई तो? इसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। आपको पता है इसके जिम्मेदार आप नहीं हो सकते, इसका जिम्मेदारी मुझ पे ही है। मैं जान रहा हूँ दादा, एक शर्त रखते हैं। जी दादा, अगर आपको चोट लगी जी दादा, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा, और आप वहीं से निकल जाओगे, वापस नहीं आओगे। हाँ दादा बिल्कुल। शर्त मंजूर? मंजूर दादा। बाहर चलें? जैसी मर्जी आपकी। बाहर चलते। एक नॉर्मल किक करके दिखा दो। ये आई, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है, थोड़ा ऊपर। हाँ दादा ठीक है। फिर से लूँ दादा? चलो। ये एक हमारा रूडीज का सैल्यूट है। आपने मेरे को आश्चर्यचकित नहीं किया, आपने मुझे हिला दिया, क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना अपाहिज, जी दादा, वैसे भी लोग हैं जिनका एक टांग नहीं है, अपने आप को एबल नहीं मानते। जी दादा, अपने बारे में चीजें बताओ। कुछ शौक था पहले थिएटर का, मतलब पहले मैंने थोड़ी बहुत मिमिक्री भी की थी, फिर एज ए विलियन गुंडे के रूप में, फिर मतलब इसमें ट्राई किया। किसमें? भोजपुरी फिल्मों में। विलन करते हैं आप? जी हाँ दादा। विलन डायलॉग, कोई डायलॉग भोजपुरी फिल्म का विलन डायलॉग? ये माइना बहुत हो गया टिपिर टिपिर, ये कुल पहाड़ा हमको मत पढ़ाइएगा, हमको सिर्फ प्राप्त है पैसा, आई लाइक पैसा, हम पैसे को चाहता हूँ, और ये मोह माया में हमको मत फंसाओ, हम सिर्फ पैसे को जानता हूँ। एक काम करा, फटाक से अलमारी से पैसा और गहना निकाला,
वरना तुमके एक जग काट के गाड़ दे तुरंत। दादा पसंद आया आपको? अरे मेरी अरे दादा मैं तो पैसे देने वाला था तेरे को अभी। पुशअप सर कर सकते हैं आप? हाँ दादा कर लेंगे। कितने करते हैं? एक बार में करीब करीब 22-23 हो जाती थी। 25 कर दो। कोई बात नहीं दादा। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस। दादा 25 बोले थे। हाँ तो आपको 25 ही बोले थे। हो गया 25। बहुत बढ़िया, शुक्रिया जी आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है दादा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आइए जी जाहिद, इधर आइए इधर आइए। कैसा था आपका इंटरव्यू? बहुत सुपर, बहुत अच्छा लगा। आशा है कि दोनों दादा लोगों को भी मेरा अच्छा लगा हो। तुमने नोटिस किया होगा कि मैंने कुछ बोला नहीं इस इंटरव्यू में, मैं चुपचाप रहा। मेरी स्ट्रेटजी थी, स्ट्रेटजी, क्योंकि मैंने उसको कल ही सेलेक्ट कर लिया था अपने दिल में। आई वाज लाइक आई वांट टू सी दिस गाय इन माय टीम। आर यू श्योर? ही विल टेक, तेरी टीम है, देख ले, मतलब रिप एवरीबॉडी अपार्ट। एक बहुत ही लंबे दिन के पर्सनल इंटरव्यूज के बाद वक्त आ गया है जजेस को डिसाइड करने का कि पुणे से इस बार कितने रोडीज सिलेक्ट होंगे। मेरा नाम जाहिद कलीम है, मेरा घर बनारस में है। फाइनली मैं रोडी बन गया हूँ और मैं पूरी लगन और मेहनत करूँगा कि मैं पूरी तरीके से विजेता बनूँ।